Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। मेरे भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दी है, और आप लोगों की दुआओं ने, आप लोगों के प्यार ने मुझे अपनी तबीयत से यानी खुश किया है, मेरी तबीयत में खुशहाली दी है। आप सभी का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे रिएक्शन टीवी वाले साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इन बातों को अपने चैनलों के ज़रिए लोगों तक पेश करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों बहनों, मैं नबी मोहम्मद अवती आपका एकदम गौटी वापस से आ गया हूँ फिर से, क्योंकि लोग कहते थे कि नबी मोहम्मद अवती फरार हो गया। अब आप मेरी आवाज़ सुनते भी होंगे, अभी आवाज़ मेरी ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, वीडियो बनाते हैं। भाइयों बहनों, 17 फरवरी को जब मैं और नरगिस आपा ने मिलके ये मीटिंग को रखे, माशाल्लाह आप लोगों ने वहाँ पर इतना बड़ा हुजूम दिखाकर, इतना बड़ा साथ दिखाकर, इतनी बड़ी ताकत दिखाकर आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम एक हैं, हम साथ साथ हैं, हम इकट्ठे हैं। दुश्मनों को आपने वो जाहिर करा दिया कि हम आपा के साथी हैं, कंपनी के कस्टमर हैं, कंपनी के साथ हैं, ये आपने दिखा दिया। और मेरे भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके दिल में जो शक है, जो दिमाग में अपनी जो गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करते हुए ऐसे मीटिंगों में आना चाहिए और एकजुटता दिखाना चाहिए और शैतान के मुंह पर तमाचा लगाना चाहिए, और जो काम आपने वही किया है। माशाल्लाह आप लोगों ने करारा जवाब दिया है दुश्मनों को। ये हम दोनों ने, नरगिस आपा और मैं, नबी मोहम्मद अवती, हम दोनों ने मिलकर कई दिनों से सोच रहे थे और कुछ कैंसिल करने के भी लगे थे, पीछे मीटिंग को रद्द करने की भी बातें कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के आगे कोई नहीं हुआ। अल्लाह के आगे किसी की ताकत नहीं चलती, तो वैसे ही हुआ। हमने एक्सपेक्ट किए थे 200, 300, 400, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी। आपका प्यार था, आपके दिल में जो जज्बा था, आपा के साथ में चलना था, तो वो आपने दिखाया, आपा की मोहब्बत ने आपको खींच लाया। मैं मानता हूँ उसमें कुछ एंटी लोग थे, उसमें कुछ कंप्लेंटर भी थे होंगे, कोई बात नहीं, वो भी हमारे साथी हैं, हमारे साथ में ही थे पहले, लेकिन हमें उनको भी लेके चलना है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों ने जो मुजाहरा किया और खामोशी से, माशाल्लाह, और इतना इत्मीनान से, और आप लोगों ने साथ दिया, मैं मानता हूँ ये भी बात, इतने लोगों में शायद तकलीफ भी हुई, परेशानी भी, ये मैं मानता हूँ, उसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ लोगों को तकलीफ हुई, इसलिए मैं अपने बड़े बुजुर्ग भाई बहन से, सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अब एक ऐसी न्यूज़ सुना मैंने, सुना तो कब पहले ही था, 20 तारीख को मेरी आवाज़ ज़रा सा भारी पड़ रही थी, गले में दर्द होता था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। माशाल्लाह हैदराबाद में अब आप आए दिन देख रहे हैं नई नई खबरें आएगी, जहाँ पर आपा एकदम साफ और शफाफ क्लीन है, एक भी रद्दी भर भी इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं, साबित नहीं हुआ। CCS पुलिस ने हार मान रही है,
सीसीएस पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, लगा तो सिर्फ क्या लगा, कितने कारकुन हैं, कितने मुलाजमीन हैं, कितनी प्रॉपर्टी जायदाद है, ये तो मालूम पड़ना ही है। लेकिन जो आप पोंजी का जो ढूंढ रहे हो, जो पोंजी जो चीज़ है वो उसे ढूंढ रहे हैं, पोंजी खिलौना जो ढूंढ रहे हैं वो खिलौना इनके हाथ नहीं लग रहा है, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। अब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट सीसीएस ने इनके हाथ में दे दिया है। जब कोई थक जाता है तो चलो यार तुम भी थोड़ा काम कर लो, ये ऐसे खेल हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को यहाँ समझना होगा, आप लोगों को यहाँ सोच समझ के चलना होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। आप देख रहे हैं अभी तक आपा के खिलाफ कोई चीज़ नहीं मिली, खाली इन्हें परेशान करने की एक साजिश है, इन्हें सताने की साजिश है। साथ साथ हम लोगों को, हम इन्वेस्टर भाइयों को, बहनों को, कस्टमरों को, जितने लोग जुड़े हुए हैं कंपनी से, उन्हें तकलीफ देने के लिए आपा के साथ साथ हमें तकलीफ देने को सोच रहे हैं और ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, और कुछ नहीं है, सभी जानते हैं, लोग पूरी दुनिया जानती है, आपा एकदम क्लियर है। आपा समाज की सेवा करने वाली औरत है, गरीब की मदद करने वाली औरत है। काश आज आपा बाहर होती, जितने शहीद हुए आज देश के जवान, 44 जवान जो शहीद हुए, काश आज आपा बाहर होती तो शायद इन्हें मदद करती, इनके परिवार को मदद करती, इनके परिवार के बच्चों को मदद करती। आज क्या ये माजूस, ये शैतान क्या मदद करेगा इनके घर वालों को? क्या इनके घर पे इनकी मुसीबतों को देखने गया, इनसे पूछा? ये लोग जो शहीद हुए, जो जवान थे, वह हमारे लिए थे, हमारी रक्षा के लिए शहीद हुए थे। क्या आज ये शैतान ने कभी सोचा कि इनके घर भी जाके इनके हालात पूछूं? नहीं, कि वहाँ से कुछ नहीं मिलना है, इसे तो ब्लैकमेल करना है लोगों को ब्लैकमेल करके अंदर को करवाना है। इसका काम ही यही है, इसका यही काम है ठगना लोगों को, परेशान करना लोगों को, इसका काम ही यही है। मेरे भाइयों बहनों, आज आपने देखा कुछ दिन पहले बम्बई एयरपोर्ट से जो काजी साहब है, ट्रैवल पॉइंट्स के मालिक है, वो बाहर से दुबई से आता है और एयरपोर्ट से अरेस्ट करवाता है। ये जुल्म के सिवा कुछ नहीं किया है। मैं कहता हूँ सीआईडी, सीबीआई, सीसीएस, सभी संस्थाओं से कहता हूँ, सरकारी संस्थाओं से, देश के प्रधानमंत्री साहब से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्रालय से कहता हूँ, सर ये इंसान जो सभी को तकलीफ दे रहा है, हीरा गोल्ड कंपनी के साथ साथ 15-20 लाख लोगों को तकलीफ दे रहा है, ये शाहबाज खान जो तकलीफ दे रहा है, आए दिन बेकसूर लोगों पर परेशान कर रहा है और FIR की धमकी देता है, मैं कहता हूँ इस सरकार से, न्यायपालिका से, हमारे देश की सरकार के जो जिम्मेदार हैं उनसे कहता हूँ कि इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और इसकी जांच की जाए। आफिया प्लाजा कहाँ से पैसे कमा के लाया और ये इसका बिजनेस क्या है, इसके IT फाइल चेक करें, इसके जो प्रोफाइल सब कुछ चेक करें, ये करता क्या है, पैसे कहाँ से आते हैं, इसका बिजनेस क्या है, इसके काले धंधे क्या हैं, कौन से हैं, मैं कहता हूँ इसे जांच करना चाहिए। ये बेकसूर लोगों को, ये शरीफ लोगों को फंसा कर फुसला कर उन्हें तफ्तीश में लगा देता है, उनके पीछे सरकार की टीम को लगा देता है, पुलिसों को लगा देता है, जेल में करवा देता है। आज इसकी चेकिंग कौन करेगा, इसकी तफ्तीश कौन करेगा? मैं उन्हीं सरकारी अधिकारियों से, प्रशासन शासन से कहता हूँ कि आप लोगों को इनकी भी जांच करनी चाहिए। जितने लोग हीरा गोल्ड कंपनी के पीछे पड़े हैं, डॉक्टर नोहेरा शेख आपा के पीछे पड़े हैं, जो अंदर करवाए हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये न्याय नहीं है, ये डॉक्टर नोहेरा शेख आपा के साथ में ये जुल्म है, अत्याचार हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ब्लैकमेल हो रहा है। और हम जैसे लोग खड़े होते हैं, कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, कंपनी के जो
कस्टमर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, आज उन्हें कहा जाता है कि दलाल, उन्हें दलाल कहा जाता है। दलाल कौन है ये सामने दिख रहा है और हमारे पर एफआईआर की धमकी दी जाती है। हमने क्या गुनाह किया, हमने क्या रेप किया, हमने क्या जगह का जगह किसी का कब्जा किया, हमने किसी का ब्लैकमेल किया, किसी को हमने किसी को सताया, हमने किसी को परेशान किया, हमने हमारी आवाज उठाई इन शैतानों के खिलाफ। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को साथ में आना होगा और हैदराबाद के जितने भी लोग हैं सबको रोड पर निकलना होगा। मैं कहता हूं जितने भी बेचारे, जितने भी भाई हमारे, जितने भी लोग हैं जो एफआईआर किए हुए हैं, मैं कहता हूं वापस आ जाओ। ये शैतान लोग आपको भड़का रहे हैं। और नसरुद्दीन चाचा, हैदराबाद के जो नसरुद्दीन चाचा हैं, आप हमसे कहते हैं एफआईआर करो और घर में बैठ जाओ। आपने भी तो एफआईआर किया हुआ है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, सबके नाम ले लेकर चिल्ला रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने घर में बैठते हो, खामोशी से क्यों नहीं बैठते। सबको सलाह देने से पहले अपनी सलाह खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए आपको। आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन आप पर भी वो चीज़ लागू है क्योंकि आपने पहले इस्तेमाल किया है एफआईआर का, और वो भी झूठी एफआईआर, गलत एफआईआर। क्या आपको भरोसा है जल्दी पैसे मिलेंगे? आज इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, इतने लोग साथ आ रहे हैं आपा के, आप लोग कितने हैं? मुश्किल से 10-20। आप लोगों की मीटिंग में कितने आए? मुश्किल से 10 लोग 15 लोग। आपके ऑफिस की कुर्सियां खाली पड़ी है और उस कुर्सी में जो बैठे थे जो लोग वो भी बोगस थे। आज नबी मोहम्मद औटी आवाज लगा देता है, खुदा कसम कहता हूं ग्राउंड भरने के भी टाइम नहीं लगेगा। मैं नहीं ग्राउंड भरने की बात करता हूं, मैं हक की बात करता हूं, सच की बात करता हूं, सच्चाई की बात करता हूं। मुझे ना स्टार लगाना है, ना मुझे नाम कमाना है, ना मुझे इज्जत कमाना है। अल्लाह का करम है, अल्लाह के पास इज्जत बहुत है मेरी, अल्लाह के नज़र में मेरी इज्जत बहुत है। इंसान तो वो है अगर कुछ मिलता है तो इज्जत देता है, वरना इज्जत नहीं देता। मैं ना फोटो का शौकीन हूँ, ना वीडियो का शौकीन हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की हमदर्दी, लोगों की परेशानी, लोगों का दर्द एक दूसरों के साथ बांटने के लिए मैं उसका बेचैन हूँ। मैं साथ देने के लिए बेचैन हूँ, सबके साथ चलने के लिए बेचैन हूँ। गलत के खिलाफ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। जो बोलूँगा मुंह पे बोलूँगा। मुझसे कहा जाता है फरार है, अरे मैं तो फरारी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं तो फरारी गाड़ी चला रहा हूँ, फरार नहीं हूँ। ऐसे ऐसे करके ये लोग, बेशरम लोग, अपनी इज्जत को बाहर लाते हैं, अपनी घर की इज्जत को नीलाम करते हैं। जो अपनी इज्जत को नीलाम करता है वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, वो तुम्हारे पैसे क्या दिलाएगा? मैं भी हूँ, मेरी बीवी भी घर में है, मैं मर जाऊँगा मिट जाऊँगा, अपनी इज्जत को कभी चौराहे पर नहीं लाऊँगा, कभी नहीं लाऊँगा। ये मेरे खानदान की इज्जत है, ये मेरे खानदान का, मेरे घर की खूबसूरती है। मेरे घर की खूबसूरती को मैं कभी रोड पर बिछाऊंगा नहीं, रोड पर नीलाम नहीं करूंगा। मैं अपनी इज्जत को जितना छुपा के रखना चाहूंगा उतना छुपा के रखूंगा। मैं मर्द हूं, मैं भी अपनी इज्जत छुपाऊंगा, लेकिन सच बोलूंगा, सच्चाई पर चलूंगा और डरूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, डट के खड़ा रहूंगा। आज लोगों को कुछ नहीं मिलता तो अपनी इज्जत को दांव पे लगा देते हैं, अपनी घर की इज्जत को दांव पे लगा देते हैं। अरे बेवकूफ, अरे मूर्ख, वहां तो सीसीटीवी, आज मुंबई में गली गली में सीसीटीवी है, मुंबई के चौराहे पे सीसीटीवी है, मुंबई के हर एक जगह में सोसाइटी में सीसीटीवी है। कैसे तूने लगा दिया, कैसे तूने अपनी बीवी के, अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दिया? मुझे बड़ी शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। तब तक तो ठीक था जब तक तू कुछ बोलता था मुझे, जब तक गलत गलत बातें बोलता था तब तक मैं ठीक समझता था, लेकिन अपनी इज्जत को नीलाम करना यानि अपना ईमान बेचना उसके बराबर है, अपना ज़मीर बेचना उसके बराबर है, अपनी माँ की इज्जत बेचना बराबर है, अपनी बेटी की इज्जत बेचना उसके बराबर है। मैं यही समझता हूँ। जो इंसान अल्लाह की कसम खाता है और धोखा देता है, जो अल्लाह को नहीं समझ सकता वो अपनी घर की इज्जत को क्या समझेगा?
वो अपने घर की इज्जत को क्या संभालेगा? जो बोलता है अल्लाह अल्लाह करता है। अरे आपा ने तो अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह के रसूल का नाम लेके लोगों की मदद की है, लोगों का पेट भरा है, लोगों के घर का चूल्हा जलाया है। तुम लोगों ने तो अल्लाह का नाम लेके अल्लाह को धोखा दिया है। और मैं कहता हूं ऐसे लोगों को, या अल्लाह, ऐसे उनके घर में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो इंसान कर रहे हैं ये लोग मुसीबत, वो इंसान अपने घर में जिससे ज़्यादा प्यार करता है, जिससे ज़्यादा प्यार है, या अल्लाह उसके घर में उसे उसको मुसीबतों के सिवा कुछ मत दे, उसे तड़पा दे, उसे दिखा दे, या अल्लाह तेरे साथ में इन्होंने धोखा किया है, या अल्लाह तू क्या समझेगा। अल्लाह से मेरी फरियाद है, जो अल्लाह का नहीं हुआ, खुदा रसूल का, अल्लाह रसूल का नहीं हुआ, अल्लाह का नहीं हुआ, तो हमारा तुम्हारा क्या होगा, अपनी माँ का क्या होगा, अपनी बीवी का क्या होगा, अपनी बेटी का क्या होगा, अपने बच्चों का क्या होगा, वो किसी का नहीं हो सकता। आज मुझे शर्म आती है ऐसे मुसलमान पे। मेरे भाइयों, जितने भी अफेयर किए हुए हैं, आपको ये समझना होगा, आपको ये सोचना होगा, जो खुदा का, रब का नहीं हुआ, जो अल्लाह का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा। मेरे भाइयों, आपको ये सोचो, जरूर सोचो। मेरा बदन अब इस तरह से ऐसा हो रहा है कि मुझे बहुत सी चीड़ आ रही है, बहुत से गुस्सा आ रहा है। उसके लिए सिर्फ दुनिया है, उसके लिए आखिरत नहीं है। मरने के बाद मैं एक बात बताता हूँ, वाकिया हकीकत है ये। जब मैं सऊदीया में था, जनतल बकई आपने सुने होंगे, मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ के सामने जनतल बकई कब्रिस्तान है, वहाँ पर जब कब्र में दफनाने को लोग जनाजा लाते हैं, मैयत को लाते हैं, जब दफनाते हैं अंदर, तो आपने भी शायद सुने होंगे, एक बड़ा सा सांप आता है। लोग खड़े रहते हैं मट्टी देने के लिए कब्र के अतराफ, और वो सांप आता है, जब उसका चेहरा दिखाने के लिए वो लोग शायद दिखाते हैं, दफनाते हैं, लेटाते हैं, वो सांप आता है टांगों के बीच में से लोगों के, और कब्र में उतर जाता है। कब्र में उतरने के बाद वो सांप, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, हर कीड़े मकोड़े पर, सांप पे, हर एक पर अल्लाह के हुक्म से ही काम होता है। सांप ने अल्लाह के हुक्म से ये काम किया, उस मैयत को लपेटा अपने आप से, लपेट के और पेशानी पे बैठ के डस के चला गया, पेशानी पे डस के चला गया सांप, अपना काम किया और चला गया सीधा, किसी को परेशान नहीं किया, तकलीफ नहीं दिया। सोचो, जब एक जानवर, एक सांप, वहाँ अल्लाह का हुक्म है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो दफना रहे हो ये भी गुनहगार था, ये गुनहगार था, और आप लोगों को दिखाया हूँ मैं कि देखो मेरे हुक्म से जानवर, दरिंदे, परिंदे, हर एक मेरी बातों पे चलते हैं, मेरा खा मानते हैं, और ये लोग मेरी कसम खा के मुझसे धोखा करते हैं। तो मेरे भाइयों सोचो, अल्लाह की कसम खा के जो धोखा करता है, तो वो आपका कैसा होगा मेरे भाई। हाँ, देर होगा, आपा के आने के लिए देर होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन पैसा जरूर मिलेगा। लकड़ी में दीमक लगेगी, लकड़ी में दीमक लगेगी, लेकिन पैसे आपके सेफ रहेंगे, आपके पैसे सेफ रहेंगे, पैसे में दीमक नहीं लगेगी। आपा के पास जो पैसे हैं वो बड़े सेफ हैं, सेफ डिपॉजिट हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, आने के बाद आप लोगों को अपने प्रॉफिट की सोचना चाहिए, ना कि विड्रॉ के लिए सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर कोई बैंक में हम जाते हैं, एक साथ बैंक से हम विड्रॉ करते हैं पैसे, जो भी लोग अगर फिक्स रखते हैं, जो भी इंसान पैसा रखता है, तो क्या होगा बैंक का हालत? बैंक कंगाल हो जाएगी, बैंक का मालिक भाग जाएगा, खुदकुशी कर लेगा वो, तो कोई भी हो। तो मेरा कहना यही है, आप लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, इन शैतानों की बातों में नहीं आना चाहिए, आप लोगों के अपने हिसाब से चलना चाहिए, हक के साथ चलना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह ताला ने कहा है, सही करो, अच्छा करो, अच्छे लोगों के साथ चलो, ईमानदार लोगों के साथ में रहो, और मुझे याद करो तो सच्चे दिल से याद करो, मैं सब कुछ दूंगा। एक तो ऐसा भी होता है, अल्लाह अल्लाह करते हैं, पीछे से चूरा घोपते हैं, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए भाइयों बहनों, मैं इतना दीनी तालीम वाला नहीं हूँ, मैं कोई हफ़ज़ नहीं हूँ, मैं हाँ कुरान पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानकारी जितनी है उतनी है, लेकिन मैं चाहता नहीं
इस दिन की बातों में आके शायद मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाए, फिर वहाँ से मेरा भी पोस्टमार्टम हो जाए, फिर वहाँ से मेरे वीडियो का भी पोस्टमार्टम करना चालू हो जाए। तो इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं उस इंसान को कहना चाहता हूँ, हर एक इंसान को कहना चाहता हूँ, अपने घर की इज्जत, अपने घर की खूबसूरती, अपने घर का जीना जो है उसे संभाल के रखो, उसे सजो के रखो, उसे दूसरे के सामने ना परोसो, दूसरों को उंगली उठाने का मौका ना दो। कोई भी औरत क्यों ना हो, वो घर की इज्जत है, खानदान की इज्जत है, तो अपनी इज्जत को संभाल के रखो, ऐसे काम से बचो। तो मेरे भाइयों बहनों, जितने लोग वहाँ पर आए थे मीटिंग में मुंबई में, आप लोगों का मैं बहुत बहुत एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने जो अपने साथ का जो साथ देकर जो जाहिर कर दिया, आपा के साथ मिलकर चलने की आपने सबूत दिया, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों को थैंक्स कहता हूँ। इससे ज़्यादा ना कहते हुए यहीं अपनी कैचिट ख़त्म करता हूँ और फिर एक बार हमारे रिएक्शन टीवी वाले साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।